और हर्ष गर्व से है कि आज इस पीजी कॉलेज के विशाल सभागार में हम सभी को एकत्र होने तथा कुछ गुप्तगु का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस लहरी काशी में एनआईटी पटना और पीजी कॉलेज के संयोग से रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी बुद्धजन उपस्थित हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी पीजी कॉलेज में आ चुके हैं और बस कुछ ही क्षणों में आप सबके सम्मुख मुखातिब हो रहे हैं। जब तक वो आए तब तक हम आपके सम्मुख बस कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं। ये श्री हरिओम पवार जी की कुछ लाइनें हैं, आशा है आपको अच्छी लगेगी। झील ताल सागरों को डांटते हैं क्या करें, झील ताल सागरों को डांटते हैं क्या करें, हंस को उपाधि बांटते हैं क्या करें, राजनीति का एक खेल देखा नहीं जाता है, बकरियां दहाड़ती हैं शेर भी नहीं आता है, बकरियां दहाड़ती हैं शेर भी नहीं आता है। काग बोले जा रहे हैं कोकिलाएं मौन हैं, काग बोले जा रहे हैं कोकिलाएं मौन हैं, देश को बढ़ाया जा रहा है गांधी कौन है, देश को बताया जा रहा है गांधी कौन है। कुर्सियों की होड़ उन्हें दे रही है गालियां, कुर्सियों की होड़ उन्हें दे रही है गालियां, जैसे पेड़ की जड़ों पे फूंकती हो डालियां, कुर्सियों की होड़ उन्हें दे रही है गालियां, जैसे पेड़ की जड़ों पे फूंकती हो डालियां। गांधी जो महानताओं की बड़ी विशाल है, आज वो हमारे जाके खाता हुआ गाल है, आज वो हमारे जाके खाता हुआ गाल है। गांधी जो सच्चाई है हिंसा का संविधान है, गांधी जो सच्चाई है हिंसा का संविधान है, आचरण की भूमि पाठशाला का विधान है। गांधी जी को भारत की आत्मा का नाम है, उनकी जिंदगी पवित्रता का तीर्थधाम है। गांधी पूर्ण संगम है जबकि सभ्यताओं का, गांधी पूर्ण संगम है जबकि सभ्यताओं का, गांधी शिलालेख है परम मान्यताओं का, गांधी जो विशेष है परम विशेषताओं में, वो सदा रहेंगे मेरे देश की हवाओं में, वो सदा रहेंगे मेरे देश की हवाओं में। बौने लोग गांधी जी का थाह लेने चले हैं, बौने लोग गांधी जी का थाह लेने चले हैं। एक बड़ी अजीब बातें हैं हमारे मुल्क में कि हर 10 में से 9 व्यक्तियों को लगता है कि उसे बुद्ध की तरफ ज्ञान प्राप्त हो गया है। व्हाट्सएप का इतिहास और फेसबुक का इतिहास पढ़ पढ़ के लोग को ऐसा लगता है कि विद्वता की पराकाष्ठा पे आ चुके हैं। गांधी, नेहरू या जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो इतिहास के इतर रहे हों, अगर उन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई है तो शायद वो महानता की पराकाष्ठा ही रहे हों कहीं ना कहीं। अब उनके बारे में बोलने से पहले कहीं ना कहीं हमें कुछ पुस्तकों का अध्ययन करके ही उनके बारे में बोलना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि वो क्या थे। कम से कम एक आलोचक की पुस्तक, एक जो उनकी विशेषता बताए हो उनकी पुस्तक, और एक उनकी खुद की जीवनी। इन दिनों के पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकले वही बताता है कि व्यक्ति क्या है। उसके बाद ये तीन किताबें पढ़ने के बाद